खबरें फटाफट में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की ताजा अपडेट्स पर। कांगड़ा जिला के ढांगूपीर के पास पुलिस जवान ने खुद को अपनी सर्विस राइफल से उड़ाया, पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर अस्पताल भेजा शव। मंडी में प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने डेटशीट का किया पुरजोर विरोध, संघ के महासचिव बोले शिक्षा बोर्ड ने आपत्तियों को किया नजरअंदाज। नूरपुर में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने घेरी सरकार, 14,000 करोड़ का कर्ज लेने पर भी नहीं हो रहा विकास। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 30 जनवरी से 3 फरवरी तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, भारी बारिश बर्फबारी के आसार, येलो अलर्ट जारी। बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में 2 फरवरी को बनेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जिला चिकित्सा विकलांगता बोर्ड के अध्यक्ष होंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कुल्लू में अग्निपथ योजना को कांग्रेस सैनिक लीग ने बताया युवा विरोधी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर ने केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। सिरमौर के पांवटा साही में यातायात नियमों पर निकली जागरूकता रैली, नियमों का पालन करने से ही कम होंगे हादसे। मंडी के सुंदरनगर में संदिग्ध हालात में लैपटॉप मिलने से हड़कंप, पुलिस की जांच शुरू। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुरड़ू में भाजपा के सेक्टर प्रभारियों से की चर्चा, केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सोलन के कंडा घाट में पहली शिक्षक माह कार्यक्रम शुरू, कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। बिलासपुर में वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप संख्यान ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मांगा विकास का ब्यौरा, अनुराग कोई भी बड़ी परियोजना लाने में असफल। खबरें फटाफट में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।